हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप एकदम मस्त मज़े में होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत जो है वो घाटकोपर स्टेशन से हो रही है। इस वक्त हम घाटकोपर स्टेशन पे हैं, शॉपिंग करने के लिए निकले थे क्योंकि शॉपिंग कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे। तो शाम के वक्त जो है मुंबई में निकलते ना मज़ा आता है। देखो, यहाँ पे ऑटो लगे हैं, लोगों की लाइनें लगी हैं। मोबाइल एक्सेसरी जो है काफ़ी कम दामों में यहाँ पर मिलती है और लोगों की भीड़ देखो, ये जो लाइन लगी है ना, ये यहाँ पे कोई भंडारा नहीं है। लोग लाइन लगा करके बैठे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि शेयरिंग वाले ऑटो चलते हैं, टर्न आती है जिसकी, उसी हिसाब से ऑटो में बैठ करके शेयरिंग में जाते हैं। कहीं पे साइड में स्कूटी पार्क कर दें, कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि ना शाम का टाइम है, कुछ हल्का फुल्का 5 मिनट के लिए सिर्फ। अच्छा, तो यहाँ पे वॉचमैन भैया ने कहा कि भैया यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं और लगानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ चटपटा खाया जाए आज। गाइस, ये है घाटकोपर की मार्केट और भरेला, एकदम भरेला। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको घाटकोपर। तो अभी हम तलाश में हैं कि कुछ हल्का फुल्का चटपटा खाया जाए। मार्केट बहुत बड़ी है। मिंजरा लगो रही भाई, मिंजरा पानीपुरी। बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हेलमेट पहन के गर्मी बहुत लगती। पानीपुरी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, और आप आगे चलते हैं। गोवंडी थोड़ा सा काम है तो फटाफट से वहाँ पे जा करके आते हैं। फोटो के क्या भाई, क्या हुआ? मेरा हेलमेट है, उठा रहे क्यों? जाओ जाओ, उठा के क्यों लिया? फिर आगे से चौड़ा क्यों हो रहा तू? तू चौड़ा क्यों हो रहा है? तू मेरे को बोल रहा है कि ऐसा बोल रहा है, भड़क के मारेगा क्या? मेरा हेलमेट ना मारना, मेरा हेलमेट नहीं मारना तू। मेरी मैं हेलमेट मेरी गाड़ी पे था, कुछ नहीं होना। अच्छा, आ जा, क्या कर लेगा तू? फिर तू तेरे को मैं कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा वीडियो। उठा क्यों रहा है मेरा, मेरा हेलमेट क्यों उठा रहा है? हेलमेट उठा रहा है उधर से। अरे मेरे जैसे छपरी बोल देखता हूँ मैं, देखना कोई बात नहीं। तो गाइज, ये देखो मुंबई में ऐसे ऐसे ना छपरी बहुत सारे मिलेंगे। मैंने स्कूटी पे हेलमेट रखा था और साथ में खड़ा था यहाँ पे, इतने में क्या हेलमेट उठा के और पहन करके जाने लगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई हेलमेट चेक कर रहा था भाई, ले जा करके चेक कर रहा था हेलमेट मेरा, और ऊपर से चौड़ा हो रहा है कि जो करना है वो कर ले। स्कूटी का नंबर मैंने दे दिया है ताकि मुंबई वाले ना और अवेयर हो सके कि कोई अगर किसी का सामान रखा है साथ में खड़ा है अगर, तो कोई चोरी वोरी तो ना हो। ऐसे ऐसे छपरी मिलते हैं यार, बताओ। लड़ाई नहीं करने की बात नहीं, वो सॉरी बोला कि भाई मैंने गलती से उठा लिया। ये बात सॉरी बोला उसने, ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी बात। अगर उसने सॉरी बोला हो कि भाई गलती से मैंने उठा लिया, मुझे माफ कर दो। गलत है, बोला उसने? नहीं बोला है ना, गलत है। पर एक चीज और है, उसने गलती किया है क्यों? अगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो आके डायरेक्टली बोलना चाहिए भाई तुम्हारी गाड़ी है क्या? हाँ, पर उसने तुम्हारा हेलमेट है क्या? तुम्हारा हेलमेट है क्या? हाँ, बोला जी। मैं उधर खड़ा हूँ, मेरे सामने सामने हेलमेट उठा करके जा रहा है। हाँ, ये क्या मेरे सामने चालू कर रहे हो क्या भाई? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? बोलो ना, कर रहे हो क्या? मैं कुछ गलत नहीं, ये मैं आप गलत नहीं बोले, ये मेरे सामने चालू कर रहे क्या? वो वैसे ही रहता है, मैं यूट्यूबर हूँ। वो बराबर है, यूट्यूबर हूँ, अच्छी बात है। पर मैं क्या, उसने सॉरी नहीं बोला, गलत है। मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, तो वही मैं बोल भी रहा हूँ। अगर सॉरी बोल देता ना, बात खत्म थी, क्लास हो जाती बस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा ना, पहले भी प्यार से किया। मैं गुस्से इस चीज़ का है कि मेरे सामने सामने आंखों को सामने उठा करके ले जा रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा है। उसकी गलती ये है कि सबसे बड़ी है कि बिना पूछे मेरा हो या किसी का, किसी का भी हो, मैं क्या, तो मेरी गाड़ी है। हाँ, पर तुम डायरेक्टली उठाए थे, ये बात भाई। मेरी 1 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, 50 रुपए की चीज़ है, करोड़ गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए और टच नहीं होना चाहिए। अब तुमने सॉरी भी नहीं बोला। अरे भाई, वो अगर सॉरी बोल देता ना एक बार, बोल देता भाई गलती, आगे से चौड़ा हुआ। फिर मैंने कहा चल भाई तू चौड़ा हो रहा है तो बोले। ये जो है ना, ये इधर ही धंधा लगाते, कभी अगर तुमको लेना है तो। मैं ये भी बता सोचना नहीं है, पर मैं अगर सॉरी तो नहीं बोला है, पर यहीं पर धंधा लगाते मैं आपको जो भी लगाते मालूम। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, सुसेना
सुसेना ऑफिस एक नंबर रोड। हाँ हाँ रोड पे सुसेना ऑफिस के सामने जो बैंक के पुल वाला नहीं है उधर ही ये लोग मिलेंगे कभी। उसको ये भी बता दे रहा हूँ अगर जैसे ऐसा होता है ना कोई मतलब वहीं भी मिलेंगे। बाकी क्या मसला पड़ा है? अरे भाई मैं तो रोज मिलते हैं मेरे को ऐसे आते हैं। सही भीड़ है, गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये सबक ऐसा मिलना चाहिए और इंसान को ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है। नहीं बात ये है ना, सबसे बड़ी बात सवारी भी नहीं बोला उसने। अगर जैसे उठाया था ना आपने, बोलते कैसा उठा रहा है भाई सवारी आपका, मैं सत्या भाई जी गाड़ी। अगर एक बार भी वो सॉरी बोल देता ना मेरे को कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। आजकल ऐसे ऐसे चोर जो हैं देखने को मिल रहे हैं ना, बताओ। अगर भाई एक मिनट के लिए मैंने स्कूटी खड़ी की, हेलमेट ऊपर रखा और मैं एक मिनट के लिए सिर्फ प्राइस पूछने गया यहाँ पे क्रॉक्स का कि क्रॉक्स का प्राइस क्या है सामने शॉप पे, और उतनी देर में वो हेलमेट उठा करके पहन करके जा रहा आगे, लाइव चोरी कर रहा है बताओ। ऊपर से वो दो स्कूटी पे लड़के और वो भी साथ दे रहे हैं भरपूर उसका, वो भी नशेड़ी टाइप के लग रहे थे मेरे को। इस वक्त गोवंडी में हैं और अभी निकल रहे हैं वापस MAC 2.0, ये चैनल का नाम है गाइस। यहाँ पे ना निकलते हुए अभी छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो मिल गए थे, कैमरा देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। साथ ही उनका ना मोबाइल चल नहीं रहा था, चैनल का नाम पूछा मैंने कहा यार बता देते हैं। तो यही ज़िंदगी के नाम है कि कुछ अच्छे लोग मिलते हैं कुछ बुरे लोग मिलते हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए लेकिन जो बुरे हैं ना उनको सबक भी ज़रूर सिखाना चाहिए। गाइस अभी घर पे जो हैं पहुंचने वाले हैं और आज का दिन जो है वो कुछ इस तरह से गुजरा है। वो जो छपरी मिल गए थे चोरी करते हुए उनके साथ बहसबाजी हो गई, तो दूसरी तरफ वो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे भी मिल गए थे। तो आज का दिन जो है कुछ इस तरह से गुजरा हमारा, और आई थिंक कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को क्या करना है, अबे सब्सक्राइब। चैनल को क्या करना है, फॉलो लाइक सब्सक्राइब बस कर देना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।